हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि मिथिला विश्वविद्यालय जो है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा जो रिज़ल्ट जारी किया गया है BA पार्ट वन, BA पार्ट टू, ठीक है, BSc BCom वालों का, तो इसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी कहा कि तो उसको गड़बड़ी कह सकते हैं, गलती इन्होंने किया कि रिज़ल्ट में किसी का नॉट फोन बता रहा है तो किसी का प्रमोटेड है, जो अच्छे से एग्ज़ाम दिए थे उसको फेल कर दिए हैं, जिस किसी में नंबर नहीं है, किसी सब्जेक्ट में एबसेंट कर दिए हैं, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे। अब वक्त बहुत कम है, आपको घबराना नहीं है लेकिन धैर्य से काम रखना है, ठीक है, काम करना है आपको धैर्य से, और आपको सीधे कुछ नहीं करना है, आपको आपके कॉलेज से काम नहीं होने वाला, ठीक है, कॉलेज आपका कुछ नहीं कर सकता जहाँ आपका एडमिशन है, ठीक है, आपको सीधे यूनिवर्सिटी जाना होगा, आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, अपने कॉलेज के माध्यम से नहीं लिखना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को लिखना होगा, ठीक है, वहाँ लिखने के बाद आपको वहाँ जाना है और आप तीन चार, जैसे मतलब है ना, आप है ना तीन चीज़ें लेके जाना है वहाँ, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और जहाँ आपका सेंटर था और जिस सेंटर में आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से आप है ना अटेंडेंस जो मेमो लिस्ट होता है उसको ले आना है। उसके बाद तीसरा जो है वो आवेदन पत्र है, ठीक है, आवेदन पत्र आपको लिखना है सीधे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को लिखना है आपको, ठीक है, और किसी द्वारा नहीं लिखना है, द्वारा आप खुद जाइए वहाँ, किसी के द्वारा नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉलेज को दोगे तो कॉलेज वाले सेंड करेंगे, वहाँ क्या होगा क्या नहीं, आपका वक्त चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जाना होगा। मेरी बात मानिए, आपको कैसे लिखना है एप्लीकेशन वो भी मैं बता दूंगा, अगर आप हमको कमेंट अगर करके बताओगे कि कैसे लिखना है एप्लीकेशन तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, लेकिन आपको बहुत जल्द ही यह काम करना होगा और आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जाना होगा, ठीक है, बगैर जाए हुए आपका कुछ नहीं होने वाला है, ये लिख कर ले लीजिए, ठीक है, और जिसका भी रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई है जिसमें नॉट फोन बता रहा हो या फिर एब्सेंट कर दिया हो या फिर इनकरेक्ट रोल नंबर बता रहा हो, ठीक है, या नॉट मैच्ड लिख रहा हो आपके रिजल्ट में, तो आपको एप्लीकेशन लिखना है और सीधे कुछ नहीं करना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना है, आपको सीधे वहाँ जाना है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन लिख कर और जो आपका एडमिट कार्ड है और याद से आपने जब एग्ज़ाम दिया था जिस सेंटर से, तो उस सेंटर से जाकर आपको मेमो लिस्ट लेके आना है और वो जमा कर देना है, तभी आपका कुछ होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिसका रिज़ल्ट नहीं आया है वहाँ तक अगर वीडियो पहुँच जाती है तो अच्छी बात है, ताकि वो यह जान लें कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब हमें जाना ही होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।